दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि आपको एक न्यूज दिखाई दे रहा होगा, आपको बता दें ये अपडेट आ रही है हिंदुस्तान की तरफ से, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। और ये आप जैसा कि आपने देखा कि हिंदुस्तान की तरफ से न्यूज है, तो बिल्कुल ये न्यूज जेन्युइन होगी। तो देखिएगा यहाँ पर यूपी सरकार इन स्टूडेंट्स को दे रही है फ्री लैपटॉप, ठीक है। तो सबसे बड़ा आप लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर किनको मिलेगा लैपटॉप, यही अभी आपका जो डाउट्स है वो अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है। तो इसी वीडियो में प्रॉपर तरीके से हम आपको यही बताने वाले हैं कि किनको किनको लैपटॉप मिलेगा, अप्लाई आपको करना क्या है, क्या तरीका है, सारा कुछ इस वीडियो में अपडेट आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 10वीं और 12वीं के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को मुफ्त में लैपटॉप स्कीम की घोषणा की है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम के तहत योग्य उम्मीदवार अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको आगे बता दें कि यूपी फ्री लैपटॉप योजना 2021 के तहत राज्य सरकार प्रदेश के ऐसे 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुफ्त में लैपटॉप देगी जिन्होंने बोर्ड एग्जाम पास किए हैं। और यहां हम आपको फ्री लैपटॉप के लिए अप्लाई करने का तरीका भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के अनुसार मुफ्त लैपटॉप की पहल से उन योग्य छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे जिन्होंने अपनी कक्षा में 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की हो। तो आपको बता दें कि यह स्कीम उन छात्रों के लिए मददगार साबित हो सकती है जिन्होंने विभिन्न कॉलेजों में आवेदन किया है और उन्हें असाइनमेंट व रिमोट लर्निंग जैसे काम के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत है। देखिएगा नेक्स्ट अपडेट और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट यह है कि यूपी मुफ्त लैपटॉप योजना के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके पास क्या योग्यता रही आपको ये मुफ्त लैपटॉप मिलेगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ ऐसे छात्रों को मिलेगा जो कि 12वीं परीक्षा पास करने के बाद स्टेट बोर्ड के कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ एग्ज़ाम पास करना ही काफ़ी नहीं होगा, स्टूडेंट्स ने 12वीं में कम से कम 65% या फिर इससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हों, या फिर जरूरी होता है कि साथ ही उत्तर प्रदेश बोर्ड से क्लास 12वीं की परीक्षा पास होनी आवश्यक है, तभी आपको ये लैपटॉप मिलेंगे बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्जेस आपको देने नहीं पड़ेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक मैं छोटी सी जानकारी आपको दे दूँ, बहुत ज़्यादा छात्रों का कन्फ्यूज़न है कि सर जो 1 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन मिलेंगे क्या इसी योजना के अंतर्गत हमें मिलेगा, या फिर जो ये लैपटॉप योजना है क्या दूसरी स्कीम है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो लैपटॉप योजना है यहाँ पर 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुफ्त मिलेगा, ये केवल यूपी बोर्ड के 12th पास आउट बच्चों को मिलेगा, ठीक है। ये अलग योजना है, और जो वो 1 करोड़ से ज़्यादा आपको मिलेगा स्मार्टफोन टैबलेट वो अलग योजना है। उसमें BA BSc BCOM, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैरामेडिकल के छात्र हो गए या पॉलिटेक्निक के छात्र हो गए, जो भी ITI या मतलब डिप्लोमा जितने भी हैं, तो उनको अलग स्कीम है, वो अभ्युदय योजना के अंतर्गत आता है। अगर आपका सपना है यूपी टेट 2021 में 130 से 140 नंबर लाने का, तो फाइनली चक्षु प्रकाशन आप लोग के लिए लेकर आई है यूपी टेट की संपूर्ण गाइड बुक। जी हाँ दोस्तों, इसमें गाइड भी मिलने वाला है, आपको बुक भी मिलेगा, और एक खास बात यह है कि नवीनतम पैटर्न के आधारित पर यह बुक को डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको सभी बुक मिल जाएंगी, 3000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 2 सॉल्व पेपर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो लेबल है बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल एक्सपर्ट के साथ इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। इस बुक को आप ऑफलाइन मार्केट में ले सकते हैं, या फिर अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट भी ले सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, वहाँ आप घर बैठे अपने घर पर इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपको यूपी टेट की अलग अलग विषयों की भी बुकें मिल जाएंगी, ऑनलाइन में मिल जाएगी, ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी, आप जहां भी चाहें वहां परचेज कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सर जो लैपटॉप योजना है वो लैपटॉप योजना अलग है या फिर अभ्युदय योजना है वो अलग है, तो यहां पर मैंने बात क्लियर कर दी है कि जो अभ्युदय योजना है उसके अंतर्गत आपको सभी को मिलेगा, जैसे कि ग्रेजुएशन के छात्रों को भी मिलेगा, साथ ही साथ डिप्लोमा मतलब तमाम छात्रों को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है। और ये अलग योजना है, इसमें केवल 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुफ्त में लैपटॉप मिलेगा, ठीक है, लैपटॉप दिया जाएगा, बाकी इसमें स्मार्टफोन टैबलेट नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके